सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि करंट अफेयर्स मैं आपके चालू करवा दूंगा, लेकिन एक दिन ये लेट हो गया। मैंने कल का बोला था लेकिन आज ये चालू हो पा रहा है, तो उसके लिए तो पहले सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी मैं उठने की स्थिति में नहीं था एकदम, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन अब क्योंकि वीडियो मैंने आज बना दी है, इसका मतलब अब वीडियो रेगुलर हमेशा रहेगी, अब ब्रेक नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और आज देखिए मैं शाम को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग अगर बताएंगे तो मैं डेली सुबह वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि अब मेरे में इतनी थोड़ी सी हिम्मत आई थी कि मैंने सोचा चलिए वीडियो बना देते हैं। तो इसी वजह से मैं शाम को बना रहा हूँ, क्योंकि सुबह मेरे बिल्कुल तथा नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकूँ। तो अब बोलो आप लोग बोलोगे तो मैं इस वीडियो को सुबह डेली अपलोड किया करूँगा, ठीक है? तो आप लोग कमेंट में बता देना। और इस जो मैंने सीरीज़ चालू की करंट अफेयर्स का, इसका फ़ायदा ये है कि ये सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, यानी कि पहले हम लोग हिंदी में करंट अफेयर्स देखेंगे और उसके बाद इंग्लिश में। अगर आपको इसका अच्छा बेनिफिट लेना है, बिल्कुल मोस्ट बेनिफिट, तो आपको क्या करना है, दोनों में देखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में से। इससे क्या होगा कि आप जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनका इंग्लिश भी अच्छा इंप्रूव होगा, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनका भी इंग्लिश इंप्रूव ही होगा, और उनके करंट अफेयर्स तो होते ही चले जाएंगे साथ में। और एक बात बताना चाहूँ कि यहाँ पे मैं डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ जितने करंट अफेयर्स हैं। आप एयरफोर्स और नेवी तो छोड़िए, कोई भी एग्ज़ाम देने बैठेंगे करंट अफेयर आपको इससे बाहर का नहीं मिलेगा। अगर जो जिस टाइम का मैं करवा रहा हूँ, अभी अक्टूबर लास्ट चल रहा है, नवंबर दिसंबर जब तक मैं करवाता हूँ, अगर उसका करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में आता है ना, तो आप आराम से कर ले जाओगे, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चालू करते हैं और बीच की जो बातें हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको वीडियो में देता रहूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, और कोशिश करें कि अटैम्प्ट खुद से करें। जैसे मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आपको ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अपना आंसर लिखना है। यहाँ पर ऐसा गलत सही कुछ वाला तो है नहीं कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, खूब अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है? और रेगुलर रहेंगे इस सीरीज़ में तो ही फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज देखा कल नहीं देखा, फिर आज देखा कल देखा परसों नहीं देखा। अगर आप ऐसे करेंगे तो उन लोगों को फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला, और उन्हीं लोगों का फिर बाद में सिलेक्शन नहीं होता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, चाहे शाम को करूँ चाहे सुबह। वैसे रेगुलर मैं कोशिश करूँगी सुबह ही रहे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में जाने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये जारी किया, और ये आप उम्मीद करता हूँ सभी ने ऑप्शन में लिख दिया होगा कमेंट में। और देखिए मैं अभी पहले हिंदी में कराऊंगा, उसके बाद इंग्लिश में, ठीक है? तो ये जारी किया तुर्की के लिए। अब तुर्की के लिए जारी किया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी से करेंसी और कैपिटल आती हैं। तो फिर आप बोलते हो कि अब हम कहाँ से पढ़ें, कि करेंसी कौन सी पढ़नी, कैपिटल, इतने सारे तो देश हैं 190 से ज़्यादा, तो हम कैसे सबका याद करें? सबका नहीं याद करना पड़ता है। वो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर जितना आप सोचते हो ना, तीन चार नंबर का, उतना नहीं बल्कि बहुत उसका वाइड स्कोप होता है। तो टर्की की जो आपकी कैपिटल है वो अंकारा है, और इसकी जो करेंसी है वो है लीरा। ये आया भी था इस बार एयरफोर्स में से, या फिर पिछली बार में आया था लीरा, आपसे पूछा गया था करेंसी, और अंकारा इसकी कैपिटल है, अब राजधानी है। अब ये बात आती है कि एडवाइजरी जारी क्या किया है, एडवाइजरी जारी ये किया है कि टर्की जाने से आगाह किया है इंडियन गवर्नमेंट लोगों की, कम जाए वहाँ पर। अब क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो टर्की गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, जो जम्मू कश्मीर हम लोगों ने 370 को रिपील किया था ना, आर्टिकल 370 को हटा दिया था, तो उसका समर्थन में पाकिस्तान की ओर समर्थन कर रहा था टर्की। और साथ ही साथ अभी आपको पता चला होगा कि जो टर्की है वो अटैक कर रहा है सीरिया में, जो कुर्द हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। तो इन दोनों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर है कि कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 1840 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए क्विंटल कर दिया है? अब बात आती है कि MSP होता क्या, पहले ही तो समझ लें। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम से पता चल रहा हो कि अगर फार्मर से अगर गवर्नमेंट खरीदेगी तो इतने मिनिमम प्राइस में तो खरीदेगी। और इसका जो प्रोक्योरमेंट यानी कौन रखता है, तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जितना भी अनाज होता है वो रखता है। अब गेहूं जो कि एक रबी फसल है, वो अब ऐसे ही डायरेक्ट से आपसे पूछेगा कि रबी, इनमें से रबी फसल कौन सा है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए गेहूँ है। अब आपको लगेगा कि ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट जो आते हैं आपके वो करंट अफेयर से ही आते हैं। तो इसके लिए बढ़ा के किया गया है 1925, और ये पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया, जो कि एक मुख्य रबी फसल है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य की 1797 अधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है दिल्ली के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर की, केंद्र सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियाँ BSNL और MTNL के लिए कितने करोड़ रुपए के पुनर्उद्धार पैकेज की मंजूरी दी है? तो पहले तो पता होना चाहिए BSNL और MTNL हैं क्या, और क्यों ये घाटे में जा रही हैं। तो क्यों ये घाटे में जा रही हैं, क्योंकि इन पे जो कर्जा है, स्टाफ का बर्डन वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अब, और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जैसे Jio, Airtel, Idea,
ये मतलब कि BSNL और MTNL इनके सामने टिक ही नहीं पा रही हैं। आपको पता हो तो आप शायद ही कोई BSNL और MTNL का यूज़ करता है, सभी लोग जियो या फिर एयरटेल का यूज़ करते हैं जो इतने सस्ते पैकेज डेली निकाल रहे हैं। तो अगर बात करूँ BSNL और MTNL, ये दोनों एक गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट इनको इनका गवर्नमेंट इनको होल्ड करती है। और BSNL जिसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, और MTNL इसका महासागर टेलीकॉम निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और ये दोनों गवर्नमेंट चलती हैं कंपनीज़, और इसी के पुनरुद्धार के लिए यहाँ पर इतने रुपए की जो है घोषणा की गई है। कितने रुपए? ये है 68,751 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा जारी की गई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर है? ये है 63वें पे। आपको पता होना चाहिए 2017 पे इंडिया जो है 100वें पायदान पे था, उछल के 2018 में आया 77 पायदान पे, और फिर उछल के 2019 में भी आ गया है 63वें पायदान पे। तो छलांग पे छलांग लगा रहा है इंडिया, जो कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट इंडिया की। और ये जो इंडेक्स है वो रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक, इसको हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटेन में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम पत्ती विकसित की है जो सूर्य के प्रकाश को उपयोग करके सिन गैस का उत्पादन करेगी? कैम्ब्रिज, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड या फिर कोवेंट्री? आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2014 में शुरू किए गए किस मिशन के अंतर्गत भारत का टीकाकरण कवरेज लगभग 87% तक बढ़ गया? ये थी मिशन इंद्रधनुष। ये 2014 में लॉन्च की गई थी, और क्यों लॉन्च की गई थी और इसका नाम इंद्रधनुष क्यों है? इंद्रधनुष नाम इस वजह से क्योंकि इसमें सात, अभी पहले तो ये समझ लीजिए इंद्रधनुष है क्या, तो ये एक इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण होता है ना उसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्यूनाइजेशन। वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत दो या दो से छोटे जो बच्चे होते हैं, 2 साल से छोटे बच्चे और जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए ये टीकाकरण की जो है स्कीम लाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट, जो कि मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तभी तुरंत लाई थी दिसंबर में। और इसके तहत सात टोटल, जैसे कि डिप्थेरिया, टीबी, ये सारी जो बीमारियां थी वो कवर थी, टोटल सात थी, इस वजह से उसका नाम इंद्रधनुष पड़ा था। लेकिन अभी प्रेजेंट में सात नहीं, सात से बहुत बढ़ के हो गए हैं, और कभी कभी एक गवर्नमेंट इनमें ऐड करती ही रहती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि तब जब लॉन्च की गई थी तब सात थी, इस वजह से इसका नाम इंद्रधनुष पड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट ने कितने अतिरिक्त भारत सीमा पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बल के गठन को मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर पहले तो देख लो, ऑप्शन 3, 2, 4, 5, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इसको पता होना चाहिए कि ये जो ITBP है वो बना कब था, तो ये 1962 में बना था। और इसका मोटो क्या है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे, मोटो इसका, ठीक। तो चलिए फुल फॉर्म इसका मैं ही बता देता हूँ, जो आखिरी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा इसका मोटो होता है ITBP का। अब आखिरी क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देंगे, मतलब लास्ट तो नहीं है, अब इंग्लिश के भी क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोगों को देखने हैं। अगर आपको जितना मैं बोलता जा रहा हूँ ना शुरू से उतना करते जाओगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता मेरे पे, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ाना चालू किया है, तकरीबन 5 से 6 साल पढ़ाते हो गया सिर्फ ऑनलाइन अगर मैं बात करूँ तो। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, आपको बताना है 20, 21, 24 या फिर 22 अक्टूबर को। मैं उम्मीद नहीं करता हूँ सभी को आता है, अब अभी लर्निंग स्टेज पे हो आप, गूगल पे सर्च मारो, जब सर्च मार के कमेंट में लिखोगे तब आप बताना, अगर कभी भूल जाओ तो, कभी भूल ही नहीं सकते हो, लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इंग्लिश के करंट अफेयर्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि छिप गया ये, पहला क्वेश्चन है 2019 समिट ऑफ द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम GSLEP वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये प्रोग्राम जो कौन सी सिटी में हुआ था, तो ये आपको बता दूं मैं कि 23 अक्टूबर को हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो ऑन विच डेट द 2019 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ISLD इज ऑब्जर्व? तो ये होता है 23 अक्टूबर का होना था, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI हैज़ लॉन्च विच नेशनल रिपोजिटरी ऑफ स्टार्टअप्स? टेक भारत, टेक वॉक, टेक सागर या फिर टेक टी? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, टेक सागर नाम का ये जो है नेशनल रिपोजिटरी लॉन्च किया है DSCI ने। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ तो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषण चार आइलैंड विच इज़ ए न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो भाषण चार जो है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ आपको मैप में ले जाऊँ, वहीं पे आपको दिखाऊंगी कहाँ पर ये भाषण चार आइलैंड, तब आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ये है, आप देख पा रहे होंगे ये आप प्यारा भारत देख पा रहे होंगे हम लोगों का, और इसके बगल में जो है बांग्लादेश पड़ता है, ये देख पा रहे होंगे इंडिया, और इंडिया के जस्ट बगल में इंडिया की तरह दिखने वाला बांग्लादेश पड़ता है, और यहीं पे अगर मैं इसको जूम करूं तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा भाषण चार आइलैंड, ये बांग्लादेश के जस्ट नीचे जहां पर आप ये बलून से देख रहे हो रेड कलर का, यही है भाषण चार आइलैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु लेड इंडियन डेलीगेशन ऑन एट द 18th समिट ऑफ
हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ द NAM यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इसका 10 समिट हुआ है, इसको हेड किसने किया इंडिया की तरफ से, तो ये किया वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन भी हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अब बात आती है कि जो नैम है, इसका 10 समिट हुआ कहाँ पर, तो ये हुआ है अजरबैजान में। अब बात आती है अजरबैजान की राजधानी क्या, तो ये है बाकू, और यहीं बाकू में ही, बाकू सिटी में ही इसका जो 10 समिट है वो हेल्ड किया जा रहा है। अब देख लेते हैं मैप में ये अजरबैजान पड़ता, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये है अपना इंडिया, इंडिया से आप आएंगे इधर पे जिसको हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, और यही जो कंट्री जिसकी तरफ ये एरो इशारा कर रहा है वही अजरबैजान है। इसको मैं चलिए जूम करता हूँ, अब आपको दिखा अजरबैजान, और ये बाकू भी इसकी दिख रही होगी जो कैपिटल है, यहाँ पर यहीं पर 18 समिट हो रही है नैम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन नेम्ड एम्बेसडर ऑफ फॉर PM मोदीज भारत की लक्ष्मी, तो भारत की लक्ष्मी PM मोदी ने एक लॉन्च किया है इनिशिएटिव, और उसके आपसे पूछा है एम्बेसडर कौन है, तो इसके एम्बेसडर हैं PV सिंधु, जिन्होंने कि जो लेटेस्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे पिछले वाले उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। किस खेल से बिलोंग करती हैं, बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और कैरोलिना मारिन से ये हारी थी इसमें ओलंपिक्स में, फिर उन्होंने इसके बाद इनको हराया भी है एक दो मैच में जब बीच में हुए मैच, और अब इनकी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो फर्स्ट पोजीशन पे भी आ गई है, अभी आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में आई है, और उम्मीद करता हूँ इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है देखते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ UIDAI, तो UIDAI जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नया CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया है, ये किया गया है पंकज कुमार, जो कि हैं ऑप्शन नंबर B में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ द कमिटी टू रिजॉल्व मीटी एंड नीति फाइट ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो झगड़ा है मीटी और नीति के बीच में इसको रिजॉल्व कौन करेगा, एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वही रिजॉल्व करेगी, तो उसके अध्यक्ष पूछे, लेकिन ये मीटी और नीति होते क्या हैं, तो मीटी का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है, और नीति का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति की बात चली पहले, तो मीटी के जो क्योंकि ये मिनिस्ट्री है तो इसके एक मिनिस्टर होंगे, और वो है रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो नीति है नीति आयोग इसके जो हेड हैं वो हेड आप हमेशा पता होना चाहिए प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी करेंटली, और जो CEO होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, और ये हैं अमिताभ कांत प्रेजेंटली। ये प्लानिंग कमीशन को हटा के बनाया गया था नीति आयोग 2014 में। अब बात करते हैं इस कमेटी का गठन कौन करेंगे, ऑप्शन आपके सामने है, ये करेंगे ऑप्शन नंबर B SK सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इंडियन आर्म फोर्स हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट एक्सरसाइज कोड नेम्ड सिंधु सुदर्शन, आपका ऑप्शन सब आपके स्क्रीन पे है, एयरफोर्स, नेवी, असम राइफल्स या फिर इंडियन आर्मी, तो ये जो एक्सरसाइज है वो करेगा इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर D सही आंसर होगा। ये जो एक्सरसाइज है ये राजस्थान में होगी, ठीक है, राजस्थान, और जो भी मेजर ये एक्सरसाइज हो गई या फिर कोई मिसाइल लॉन्च होती है, टेस्टिंग होती है, तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए राजस्थान से ही होती हैं, क्योंकि वहीं पर डेजर्ट इलाका वही सबसे सूटेबल कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बस्ती नहीं है इस वजह से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D सही आंसर होगा, इंडियन आर्मी। और मैं बता दूँ जैसे कि कई सारी एक्सरसाइजेज होती हैं देशों के बीच में होती हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट था। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल वर्कशॉप इन एनवायरनमेंट फ्लोज एट दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आंसर ऑप्शन नंबर D मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इसका बताना कमेंट में आपको कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ये जल शक्ति है जो अभी बनी है, जो आपकी लोकसभा का 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है उसी में एक नई मिनिस्ट्री को जोड़ा गया है, और इसके मिनिस्टर कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये हम लोग का आज का करंट अफेयर का वीडियो को समाप्ति हुई, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताएं, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब रखें चैनल को ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। कमेंट जरूर बताएं कि ये वीडियो सुबह आनी चाहिए या फिर शाम को, कोशिश करूँगा मैं सुबह ही डालूँ, ठीक है, धन्यवाद।